केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। भाजपा नेता चरण दास ने गड़खा विधानसभा क्षेत्र के केवानी में किसानों से किया जनसंपर्क। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बिहार के प्रदेश क्षेत्रीय पदाधिकारी सह गड़खा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी डॉक्टर चरण दास ने गड़खा के केवानी गांव में खेती व मजदूरी करने वाले ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों ने माला पहनाकर पूरे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। मौके पर चरण दास ने भी सभी ग्रामीणों के प्रति आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों से जनसंवाद करते डॉक्टर दास ने कहा कि सरकार ने देश में 22,000 हाट को संगठित खुदरा कृषि मंडियों में विकसित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही आलू, प्याज और टमाटर की खेती करने वाले किसानों को फायदा देने के लिए सरकार ने इन ग्रामीण हाटों को ऑपरेशन ग्रीन से छोड़ने जा रही है। फल और सब्जियां उगाने वाले किसान हमारी सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं। ऑपरेशन ग्रीन आलू, प्याज और टमाटर की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी योजना है। अभी तक सरकार धान और गेहूं की खरीद खास तौर पर करती थी, लेकिन ऑपरेशन ग्रीन की वजह से अब इन फसलों को भी निर्धारित MSP पर सरकार खरीदे। ग्रामीण खुदरा बाजार बनने से किसान अब टमाटर जैसी जल्द खराब होने वाली फसलें भी गांव के बाजारों में मंडी भाव पर बेच सकेंगे। इन फसलों को मंडी में ले जाने के लिए किसानों को ट्रांसपोर्ट का भाड़ा भी देना पड़ता है। देश में उगाई जाने वाली सब्जियों में से सबसे अधिक खेती आलू, प्याज और टमाटर की होती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से सभी किसानों का उद्धार होगा। मेरा भी यही प्रयास है कि अपने क्षेत्र के किसान भाइयों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाकर उनका जीवन सुखमय बना सकूं। जनसंपर्क के बाद मीडिया से बात करते हुए चरण दास ने कहा कि गड़खा के लोगों के द्वारा जो प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, उससे मैं अभिभूत हूं। क्षेत्र की जनता मुझ पर भरोसा जता रही है। उनकी इच्छा है कि मैं इस बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में आऊं। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं जनता के विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करूंगा। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। गड़खा विधानसभा में मैं जनसंवाद करने के लिए अपने अभिभावक, गार्जियन, युवा मित्रों के साथ मैं आया हुआ था और यहाँ के जनमानस में इतना उत्साह है और आशीर्वाद हमको मिल रहा है। ये लोग का कहनाम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे डॉक्टर चरण दास जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया जाता है तो सबके आशीर्वाद से जो मैं आज यहाँ हूँ, अपने अभिभावकों के आशीर्वाद से मैं लगातार निरंतर बढ़ते रहा हूँ और हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति होता है, मैं सबके साथ उनके आशा और विश्वास के अनुरूप करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। और यहाँ से भी जन समर्थन है, जन संवाद है, सभी लोग का विशेष आग्रह है कि चरण दास जी को अगर यहाँ प्रत्याशी बनाया जा रहा है तो बहुत बहुत अपार मतों से हमको विजय बनाकर अपना आशीर्वाद देने का प्रयास किया जाएगा। क्षेत्र के विकास के लिए सर्वप्रथम योजना है कि किसी भी राष्ट्र का उद्धार करने के लिए और सशक्तिकरण के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं सरकार और अपने माध्यम से मांग करूंगा कि यहाँ के जितने भी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, युवा भाई हैं, अच्छा से अच्छा शिक्षा को ग्रहण करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। उसके बाद है कि मैं यहाँ पर आधुनिकीकरण का एक अस्पताल का निर्माण कराऊंगा कि यहाँ से किसी को भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ का जो जनमानस है, गड़खा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपना इलाज कराएगा, उसको जिला मुख्यालय पे जाने की आवश्यकता नहीं होगी।